रक्षाबंधन के त्योहार पर केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। लोगों को बड़ी राहत देते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। सिलेंडर के नए दाम आज 30 अगस्त से देश भर में लागू हो चुके हैं, यानी अब सभी लोगों को घरेलू सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर में छूट देकर देश की बहनों को एक तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई है कि उन्होंने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में और आज रक्षाबंधन के दिन देश की तमाम बहनों को, जो विशेषकर क्योंकि किचन सामान्यतः हमारे देश में हमारी बहनें ही संभालती हैं, 200 रुपए का तोहफा दिया है पर सिलेंडर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गिफ्ट उनकी अपनी बहनों के लिए है। साथ ही जो 75 लाख जो नए कनेक्शन उज्ज्वला के अंतर्गत देने वाले हैं, तो जो लोग रह गए निःशुल्क गैस कनेक्शन से, ऐसे 75 लाख लोगों को और ये निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलेंगे। एक बार फिर कार्मिकों की पुरानी पेंशन का मामला गर्माने लगा है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कार्मिकों को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अच्छी बात है, कर्मचारी संघर्ष कर रहा है। हमने तो पहले ही दावा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी राज्यों में हमारी सरकार आई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और आगे भी लागू की जाएगी। अच्छी बात है। देखिए, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारी, देश भर का कर्मचारी संघर्ष कर रहा है और अपना आंदोलन कर रहा है। हमने तो पहले ही वादा किया था कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, पुरानी व्यवस्था जो है हम लागू करेंगे। और राज्यों में भी जहाँ जहाँ हमारी सरकारें आई हैं, चाहे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, आगे भी हम इसको लागू करेंगे जिस जिस राज्य में हमारी सरकार आएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने रक्षाबंधन पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व जहां भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक है, वहीं बहन भाई की मंगल कामना और भाई बहन की रक्षा किए जाने के संकल्प से जुड़ा है। सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को और खासकर कोटद्वार निवासियों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। भाई बहनों का बहुत ही पवित्र त्यौहार है ये, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी भाई बहनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पौड़ी शाखा की बहनों ने हर साल की तरह इस साल भी जिला पुलिस कार्यालय पौड़ी में एसएसपी समेत पुलिस कार्यालय में मौजूद सभी पुलिस कार्मिकों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधे और सभी पुलिस कर्मियों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। वहीं रक्षा सूत्र के बदले पुलिस कार्मिकों ने अपने जीवन से एक बुराई त्यागने का संकल्प लिया। जहां एक तरफ प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अस्पतालों में खून और प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, जिसे देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 सितंबर को डिफेंस कॉलोनी देहरादून में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाचारों में जानने को मिला कि प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, इसलिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम वो कर रहे हैं। अभी पहले 3 तारीख यानी कि 3 सितंबर को यही डिफेंस कॉलोनी में एक बड़ा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट की ज्वलंत समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनता विगत 15 दिनों से निरंतर धरने पर बैठी हुई है। इस दौरान उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भंडा के ग्रामीणों ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। स्थानीय लोगों की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आज 15 दिन भी जारी रहा।